प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। वहीं लॉकडाउन पार्ट 2 के तहत सोमवार से कई राज्यों जिलों में विशेष छूट दी गई। बाड़मेर में भी मंगलवार को कई उद्योग दुकानें, सब्जी मंडी, रिपेयरिंग सहित कई दुकानें खुली नजर आई। वहीं आंशिक रूप से खुलने वाले लॉकडाउन के दौरान सरकार से मिले नए निर्देशों में नियमों को लेकर हर कोई दूसरे दिन भी संशय में नजर आया। नियम विरुद्ध दुकानें खुलने पर प्रशासन व पुलिस ने इन दुकानों को पुनः बंद करवाया। वहीं धोरीमन्ना में भी प्रशासन व पुलिस सख्त नजर आई। बाड़मेर से सुरेश सोढ़ा व धोरीमन्ना से खेताराम पुनर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन है और जिन जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है उन जिलों में मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत कुछ राहत देते हुए सरकार ने छूट दी है। बाड़मेर जिले में भी अब कोरोना का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं है। हालांकि पिछले दिनों बाड़मेर में एक कोरोना का मरीज सामने आया था जिसकी रिपोर्ट लगातार 2 बार नेगेटिव आ चुकी है। मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत दूसरे दिन मंगलवार को बाड़मेर शहर में खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ चश्माघर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, टायर पंचर की दुकानों, रिको के कुछ औद्योगिक इकाइयाँ, रिको इंडस्ट्रीज एरिया में स्पेस पार्ट्स एवं रिपेयरिंग की दुकानें खुली नजर आई। वहीं इसके अलावा शहर भर में अलग अलग इलाकों में सब्जी के ठेले भी नजर आए और इन दुकानों पर इक्के दुक्के खरीदार नजर आए। लॉकडाउन के 30वें दिन बाड़मेर के बाजार समेत रायकोलानी, सदर बाजार, मालगोदाम रोड, तनसिंह सर्किल समेत विभिन्न इलाकों में सन्नाटा पसरा नजर आया। गौरतलब है कि मॉडिफाई लॉकडाउन के पहले दिन सोमवार को बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों में इजाफा हो गया था जो कि मंगलवार को थोड़ा कम नजर आया, जिसको लेकर मंगलवार को बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, महिला थाना अधिकारी लता बिगड़, कोतवाल राम प्रताप, ग्रामीण थाना सेक्टर इंचार्ज सुमन चौधरी समेत पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने शहर का दौरा कर आम जन को घर में रहने की अपील की। शहर के अहिंसा सर्किल, शहीद सर्किल, अंबेडकर सर्किल पर यातायात कर्मियों एवं पुलिस बलों ने आवाजाही करने वाले वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ करने के साथ बेवजह घूमते पाए जाने वाले एवं बिना मास्क पहने वाहन चलाने वालों के चालान काटे। गौरतलब है कि सदर बाजार स्थित पुरानी सब्जी मंडी में भी मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत सोमवार को सब्जी मंडी को खोल दिया गया था, जहां भीड़भाड़ होने की शिकायत मिलने पर मंगलवार को पुलिस के जवान यहां तैनात नजर आए और पुलिस के जवानों ने यहां आने जाने वाले लोगों को भीड़ एकत्रित न करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत दी। इसी तरह धोरीमन्ना कस्बे में भी मॉडिफाई लॉकडाउन व धारा 144 की पालना को लेकर स्थानीय प्रशासन मंगलवार को सख्त नजर आया। मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत जारी गाइडलाइन के अलावा भी कुछ लोगों ने प्रतिबंधित दुकानें खोल दी थी, जिसके बाद धोरीमन्ना उपखंड अधिकारी कृष्णता चौहान के निर्देशन में तहसीलदार भागीरथ राम बिश्नोई, सहायक उप निरीक्षक भाखर राम में टीम कस्बे के भ्रमण पर प्रतिबंधित दुकानों को बंद करवाया। साथ ही मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत प्रतिबंधित दुकानें नई गाइडलाइन जारी न होने तक पुनः खोलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कस्बे में चोरी चुपके भी इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य प्रतिबंधित दुकानें खोली जा रही है। ऐसे दुकानदारों को दुकानें नहीं खोलने की सख्त निर्देश दिए। वहीं धोरीमन्ना पुलिस ने भी कस्बे के मुख्य मार्गों पर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को रोककर सख्ती से पूछताछ की और मास्क पहनने की हिदायत दी। धोरीमन्ना तहसीलदार भागीरथ बिश्नोई ने बताया कि कस्बे में कई ऐसी दुकानें खुली मिली जिन्हें मॉडिफाई लॉकडाउन में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में दुकानों को सख्त निर्देश देकर बंद करवाया गया। कस्बे में भ्रमण करने के दौरान तहसीलदार भागीरथ राम बिश्नोई, सहायक उप निरीक्षक भागीरथ सिंह, कांस्टेबल पीसी पोटोलिया, जबरा राम, नाथू सिंह शामिल रहे।